ओम नमः शिवाय। आज लाइन ऑफ इंट्यूशन पे बात करते हैं, आज अतींद्रिय के बारे में बात करते हैं, अतींद्रिय रेखा के बारे में बात करते हैं, सबकॉन्शियस लेवल के बारे में बात करते हैं। किसी भी हाथ में ये कैसे देखा जाए कि इस इंसान की इंट्यूशन बहुत अच्छी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है, जिन लोगों को कुछ चीज़ों के घटना के होने का टाइम से पहले पता लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पहले से बता देते हैं, अरे भाई आज उधर मत जाना, मेरा दिल अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे अच्छी महसूस नहीं हो रहा। और वो कभी कभी वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो वाकई में सच निकल जाती हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत ही अच्छे काउंसलर भी होते हैं, बहुत अच्छे हीलर्स भी होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों का रिंग ऑफ सोलोमन बहुत ज़्यादा विकसित होता है, जिसको कि जुपिटर रिंग भी कहते हैं। और इनकी मरकरी के ऊपर अगर लाइंस अच्छी हैं, जो इनका अगर मरकरी प्लैनेट बहुत अच्छा है, इनका मरकरी माउंट बहुत अच्छा है, तो इस तरह के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे स्पीकर भी होते हैं और अपनी स्पीच से सामने वाले को हील करने की, सामने वाले को शांत करने की, सामने वाले को मोटिवेट करने की बहुत ही अच्छी क्षमता, बहुत ही अच्छी कैपेसिटी ऐसे लोगों में होती है। तो अब हम बात करते हैं अतींद्रिय की। अतींद्रिय का मतलब क्या है? अतींद्रिय का मतलब है सिक्स सेंस। आम तौर पर हम अपने पांच सेंस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। पांच सेंस कौन कौन सी है? पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा मतलब आपकी स्किन, और छठी इंद्रिय है आपका सबकॉन्शियस लेवल, जिसका हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर ऐसे लोगों का मून माउंट, मून जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा का एरिया काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है, काफ़ी डेवलप्ड होता है और काफ़ी स्ट्रांग होता है। और इस तरह के जो लोग हैं वो ऑकल्ट के अंदर, छुपी हुई विद्याओं के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, टैरो कार्ड रीडिंग में, पामिस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर उनका हॉरोस्कोप देखें, तो ऐसे लोगों का जो 12 घरों में से 8th हाउस होता है, 12th हाउसेस हम लोग एक हॉरोस्कोप में बनाते हैं, उसमें से जो 8th हाउस होता है, वो 8th हाउस ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ इनका मून प्लैनेट भी बहुत स्ट्रांग होता है हॉरोस्कोप के अंदर। तो चलिए आज बात करते हैं कि पामिस्ट्री के अंदर, हाथ की लाइनों के अंदर ऐसा कौन से सिग्नल्स हैं, ऐसे कौन से साइन हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि इस पर्टिकुलर इंसान का, इस व्यक्ति विशेष की इंट्यूशन, इस व्यक्ति विशेष का पूर्वाभास, इस व्यक्ति विशेष का सबकॉन्शियस बहुत अच्छा है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं लाइन ऑफ इंट्यूशन की। जब भी लाइन ऑफ इंट्यूशन की हम बात करते हैं, तो हमें मून, ये जो चंद्रमा का एरिया, ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जब एरिया बहुत डेवलप्ड होता है, तो ऐसे इंसान को ध्यान में जाने की, स्पिरिचुअलिज्म में जाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा भी रहती है, और ऐसे लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं इस एरिया के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक छोटी सी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी जा रही है। मैं आपको थोड़ी ड्रॉ करके दिखाती हूँ, हो सकता है क्लैरिटी ज़्यादा ना हो। इनकी ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, जो कि लाइन ऑफ इंट्यूशन है। देखिए, जब भी चंद्रमा का पर्वत काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगा, साथ ही साथ ऐसी लाइन होगी, तो ऐसे लोग मेडिटेशन की पावर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऐसे लोग अगर किसी भी ऑकल्ट में जाना चाहें, हिडन नॉलेज अगर ये पढ़ना चाहें, तो ये लोग बहुत ही बढ़िया साबित होते हैं। दो तीन चीज़ें और चेक कर लीजिए, साथ साथ इनका जुपिटर का वलय भी बन रहा है, रिंग ऑफ सोलोमन भी यहाँ पर बन रही है, दो तीन लाइनें। और एक लाइन अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी सन लाइन भी यहाँ तक आ रही है। ऐसे लोग अगर हीलिंग में चले जाएं, अगर ये हिप्नोटिज्म में चले जाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो मरकरी के ऊपर यहाँ पर तीन चार लाइनें, लंबी वर्टिकल लाइनें नज़र आ रही हैं। अगर मरकरी फिंगर के ऊपर वर्टिकल ऐसे लाइनें नज़र आ रही हों, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने में एक्सपर्ट होते हैं। अपनी जो उनको नॉलेज या अपनी अगर कोई अच्छी पॉजिटिव थॉट उन्हें सामने वाले को पहुंचानी होती है, ट्रांसमिट करनी होती है, तो बहुत ही इजीली अपनी वाक चतुरता की दम पर, अपनी वाक कुशलता के दम पर वो सामने वाले के दिमाग में एक मेंटल सजेशन स्थापित कर पाते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं एक पॉजिटिव अप्रोच देने में, एक काफ़ी अपनी एनर्जी दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसमिट करने में। तो ये जो हाथ आप देखेंगे, एक और तरह की भी जो ये लाइन ऑफ इंट्यूशन है, एक और तरह की भी होती है, आइए वो भी देखते हैं। कभी कभी किसी किसी हाथ में ये लाइन पूरा यहाँ तक ना जाके यहाँ तक भी हो सकती है,
जो कि सिर्फ मंगल, ये जो मंगल का एरिया है वहाँ तक जा रही होती है। देखिए अगर वो मंगल के एरिया तक जा रही है तो भी ये लाइन काफ़ी अच्छी होती है, बशर्ते कि ये जो लाइनें हैं खट्टी फटी ना हो, क्रॉस ना हो, आइलैंड ना बना हुआ हो और साफ़ सुथरी लाइन हो। तो जितने ज़्यादा उसमें अगर कुछ रुकावटें आ रही हैं तो उतनी ही उस लाइन को वो कमज़ोर बना देती हैं। यदि ये लाइन यहाँ से होकर मंगल तक जा रही है, इसका मतलब वो इंसान जो भी सोचता है वो मंगल उसकी सोच को पूरा करने में हेल्प देता है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी लाइन है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर ये जो माउंट डेवलप है, साथ ही साथ अगर इस तरह की साफ़ सुथरी लाइन भी आ रही है, तो ऐसे लोग काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होते हैं, काफ़ी चार्मिंग होते हैं और इनकी जो पास्ट लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रही होती है। साथ ही साथ ऐसे लोग काफ़ी फेथफुल भी होते हैं। आज हमने बात करी लाइन ऑफ इंट्यूशन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई चर्चा के साथ। ओम नमः शिवाय।